एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूरोप चैनल। सो साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर, और देखिए अपने आप अनिरुद्ध की अलमारी जाग रही है ऊपर। तो हम सब जगह धूप बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है आज, और तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ी सी जो सॉरी अनिरुद्ध की जो अलमारी थी उसमें थोड़ी से कपड़ों में धूप लगाई जाए। और साल का आखिरी दिन है गाइस, गलती फलती माफ़ कर दीजिएगा। वैसे हमने कोई गलती की नहीं होगी, बट चलो हाँ गलती हो भी होगी तो माफ़ कर दीजिएगा। और 1 तारीख से आपको मेरा जो है नए साल से एक नई जर्नी शुरू करूँगी, क्योंकि 1 साल से तो कुछ अच्छा रिस्पांस मिला नहीं, तो अब नए साल से रिस्पांस देखते हैं कैसा मिलता है। बट मैं कंटिन्यू रखूँगी, और आप देख सकते हो यहाँ पे कपड़े भी लेकर आई हूँ मैं काफ़ी सुखाने के लिए। ये कह रहे हैं रिस्पॉन्स कैसा, मतलब मीन्स ये है कि जो यार लोग ना 10 10, आप मान सकते हो 2 3 घंटे में मेरे 10K व्यूज़ आए। बट यार उन लोगों ने मुझे ये भी नहीं सोचा कि मैं मतलब चैनल सब्सक्राइब कर दूं। बट चलो ठीक है, जिन्होंने देखा उसके लिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। सो आज जो है 31 दिसंबर है, तो कुछ स्पेशल नहीं, बट हम बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ रही है हरियाणा में, ऑल पूरे यहाँ तक कि यू वहाँ पे कहाँ पे यूएस नहीं विकास कनाडा साइड, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही, न्यूज़ में देख रहे हैं हम तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। तो हमने सोचा, मैंने पहले ऑलरेडी एक बार बना लिए थे, तो आज मैं आप लोग से वो रेसिपी शेयर करूँगी, तो आप लोग भी बना सकते हो। और आप कुछ कहना चाहोगे? बस पीछे कपड़े सूख रहे, वो तो है ही, मैंने आपको बताया ना सर्दी में छत पे आओ तो हर जगह बस कपड़े ही कपड़े सूखे मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहें, और जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। साल के आखिरी दिन मैं कुछ ज़्यादा ही गंदी दिख रही हूँ, पर मैं नहा गई हूँ, बट मैंने कुछ नहीं किया तो मैं लग रही हूँ। चलो उस चीज़ को छोड़ते हैं। और ड्राई फ्रूट्स काफ़ी दिन से भी पड़े थे, कुछ न्यू फ्रेश भी आए तो मैं चेक कर लेती हूँ। पहले ड्राई फ्रूट, आप सभी को पहले ड्राई फ्रूट तो आपके पास होना चाहिए, तो आप कुछ भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम करेंगे ड्राई फ्रूट को ऐड। चलिए तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको सारे ड्राई फ्रूट करने हैं, जैसे कि गरी और काजू बादाम किशमिश सब कुछ जो भी आप डाल सकते हो, आपको वो क्रश वगैरह करके रख लेना है। तो जैसे कि मेरी तैयारी हो चुकी है क्रश की शुरू, सो इसमें मैं कमरकस ऐड कर रही हूँ, तो वो सर्दियों में बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। अगर आपकी कमर वगैरह में दर्द हो तो उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। कमरकस के बाद मैंने गोंद ले रखे थे, और चीनी अगर आपको गुड़ से डलवाना है तो आप गुड़ से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्रश करना शुरू कर दिया है, और आप अपने अकॉर्डिंग क्रश कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा ही क्रश कर लिया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसके जो वाइट्स हो बादाम वगैरह के वो ना रहें। और उसके बाद आपको ऐड करना है घी और आटा। घी और आटा ही इसमें मेन पार्ट है, और ड्राई फ्रूट बिना घी के ये नहीं बनेगा गाइस, क्योंकि आपको पता ही है घी ही सबसे ज़्यादा हेल्थी है। तो इसमें आप चाहो तो किलो का भी बना सकते हो, वैसे भी आधा किलो के भी बन जाते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप इन्हें अच्छे से जो है, मैंने यहाँ पे घी ऑलरेडी किलो मतलब किलो से थोड़ा घर वाला टाइप, मतलब कि ये कोई खुद ही पिसवा के लाते हैं, तो आटा भी बहुत ज़्यादा हेल्थी होता है। और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। सो आगे आगे देखते रहिए। आपको इसमें घी में ऐड करने के बाद काफ़ी पेशेंस लगेगा इसको बनाने में, तो कम से कम 1 या 2 घंटे आपको प्रॉपर आपके पास होने चाहिए। तो बस आपको ये प्रॉपर इसे मिलाना है, गैस की आंच थोड़ा आप कम रख लीजिएगा, और बाकी आप देख ही सकते हो। अभी इसमें आपको बाकी कुछ भी नहीं ऐड करना है, सिर्फ आपको आटा और घी को प्रॉपर मिलाना है।
तो आप देख सकते हो घी और आटा प्रॉपर, और आटे का जो है थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। तो आपको काफ़ी देर तक इसे आपस में मिलाए रखना है कि कहीं पे आटा सूखा ना रह जाए। तो अब हम इसमें जो भी हमने क्रश करके रखा था ये हमने गोंद ऐड कर लिया है, और आपको गोंद डालने के बाद भी इसे प्रॉपर आपस में मिलाना है। जैसे कि या देखिए थोड़ी सी हंसी मुझे आ गई है, बट चलो इग्नोर करो। तो आपको प्रॉपर आटे और घी में इसे भी मिक्सचर को प्रॉपर इस तरीके से इसे मैश करते रहना है, और इसमें धीरे धीरे कैसे अब हम ऐड करेंगे। अभी हमने गोंद ऐड करी है और प्रॉपर, और आप ध्यान रखें कि आपके जो है गैस की आंच कम ही हो, गैस की आंच बड़ी ना हो, क्योंकि अब ये प्रॉपर पक चुका है। अब इसमें सिर्फ हमने, और इसमें अब हम ऐड करेंगे जो है पीसी हुई चीनी। आप चाहो तो घर पे भी उसे कर सकते हो, या आप मार्केट से परचेज़ करो तो आप मार्केट से भी लेकर आ सकते हो। आपको जो है प्रॉपर अब इसी तरीके से मिलाते रहना है, और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स। देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स कितने यमी लग रहे हैं। इसी बीच में मेरे बेटे को लग जाती है भूख और वो ऐं ऐं करना शुरू कर देता है। तो इसी तरीके से आपको इसे प्रॉपर मिलाना है। तो ये जो है बन चुका है, और इसमें आपको ऊपर से घी भी ऐड करना है, जो मैं वीडियो में नहीं रिकॉर्ड कर पाई, मैं आपको बता रही हूँ। आपको हल्का हल्का घी ऐड करते रहना है, क्योंकि सारा मिक्सचर जो है वो प्रॉपर हो जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे लड्डू बन चुके हैं। तो हमारे तो लड्डू बन के हो चुके हैं तैयार। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो मेरे चैनल में जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दो। बाय बाय, मिलते हैं कुछ आपसे ऐसे ही हेल्थी रेसिपीज़ के साथ। तो अगर आपको लड्डू ट्राई करने हैं तो वेलकम माई होम। सो बाय बाय, फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।